So let us find median of given data. Huh? So profit in lakh of rupees diya hai, number of shops diya hai. So more than or equal to 5, there are 30 shops. More than or equal to 10, 28 shops hai. And so on, up to more than or equal to 35. तो यहाँ पर हम लोग लेंगे 5 to 10 क्लास इंटरवल आ जाएगा, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25, 25 to 30, 30 to 35 और more than or equal to 35 है, तो 35 to 40 और more than or equal to, तो 35 to उससे ज्यादा 35 टू 40 नहीं है. तो 5 टू 10 कितने आ जाएंगे देखिए, इन दोनों का डिफरेंस लेना पड़ेगा. 30 माइनस 28 ये 2 आए, फिर 28 माइनस 16 12 2 4 3 4 3 और ये लास्ट में जो है वो लिखेंगे 3, ठीक है. सो वी ऐड दिस टू फाइंड n, n इज इक्वल टू ए क्या आ जाएगा, 7 प्लस 3 10, 10 प्लस 4 14, 15 16, 16 प्लस 12 इज 28, तो ये 30 आ जाएगा, ठीक है. तो यहां जो 30 आ रहा है ये इसके साथ मैच होना चाहिए, पहले इसके साथ. नाउ लेट अस, नाउ वी कैलकुलेट मीडियन क्लास. मीडियन क्लास निकालने के लिए हम लोग विल कैलकुलेट एन बाय टू. व्हाट इज एन बाय टू हियर? 30 अपॉन 2, तो ये 15 आ जाएगा. तो 15 तो ऑब्जर्वेशन, 15th ऑब्जर्वेशन निकालने के लिए हमको कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी निकालना पड़ेगी. ये तो हमने फ्रीक्वेंसी निकाल दी, वी नीड कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी आल्सो. सो वी विल मेक वन मोर कॉलम हियर, कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी. तो एसेंडिंग ऑर्डर में है, सो 2 14 16 20 23 23 27 30 ये 30 बराबर है. यस, तो यहां पे 15th ऑब्जर्वेशन कहां पे आएगा देखिए, 15 टू 20 बताए कौन सा मीडियम क्लास हो जाएगा. 15 टू 20, 15 टू 20 देखिए, ये 16 यहां पर है. फ्रॉम 15 टू 16 ऑब्जर्वेशन, दिस इज मीडियम क्लास, मिस क्लास इंटरवल सर. So this is median class. So median class is equal to 15 to 20. Now let us calculate now median. Median is equal to, so what is n? N is lower limit of median class, that is 15 plus n by 2 is, we have calculated 15 minus 40. Cumulative frequency 40. 40. कितना आ जाएगा इसका? 40. 40 आ जाएगा. We have to take cumulative frequency of the preceding class. So 40. What is f? 2. Frequency of the median class. 2. 5. Size जो है ये class interval का size 5 आ जाएगा. Yes. 5. So 15 plus 1 by 2. It is 1 by 2 into 5. So 15 plus 2 by 5. 5. 17. 5. So this will be median. Okay. So in this way, what are the important formula? First important है. उसके बाद में हमें class interval लिखने के लिए आना चाहिए. सबसे ज़्यादा important और ये है कि यहाँ पे 35 last है. It is more than or equal to 35 है, तो one more class interval लिखना पड़ेगा, 35 या 35 से ज़्यादा, isn't it?
तो ये क्लास इंटरवल लिखते समय हम लोग लिख रहे, देखे मोर देन और इक्वल टू 5, उसके बाद में 10 दिया है, तो 5 टू 10 फर्स्ट क्लास इंटरवल, 10 टू 15, 15 टू 20, 20 टू 25, 32 इज 25 टू 30, 30 टू 35 और वन मोर, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो अगर हम इसको मिस कर रहे तो फिर गलत हो जाए। इज इट क्लियर? इसके बाद में और क्या इंपॉर्टेंट है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखना है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखते समय ये इसके सामने लिखते से फिर एडिशन करना है इसे, और लास्ट में ये जो नंबर आ रहा है ये नंबर कहाँ मैच करना चाहिए, नंबर ऑफ शॉप्स यहाँ है लिखे, ठीक है। सो उसके बाद में मीडियम क्लास निकालने के लिए n by 2th observation, जिस क्लास इंटरवल में है that will be the median class, फिर उसके बाद में हम लोग वैल्यूज लिख सकते हैं।